महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता श्रमिकों, वहां रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों की भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है, इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी उन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत हो बनेंगे जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की है, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांग नहीं है।